लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है भाई? कैरेज का वक्त खत्म हो चुका है। 2 दिन ईमानदारी के नाम पर पसीना क्या बहा लिया कि खून बहाने वाले दोस्त की आवाज तक भूल गए? चंडीदास, सोनू कभी तुम्हारे लिए काम करता था इस बात को भूल जाओ। और एक बात सुन ले, सोनू को उसके गुजरे हुए रास्ते पर ले जाने वाले दोस्त आज उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोनू, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है पैसा और सबसे बड़ी दुश्मन है भूख। इतना बड़ा काम लेकर आया हूं कि जिंदगी सुधर जाएगी। एक बात सुन ले चंडीदास, सोनू जो रास्ता छोड़ चुका है उसे दोबारा उस रास्ते पर घसीटने की कोशिश की तो मैं तुझे शमशान तक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो सोनू, जीने के लिए सिर्फ खोखली बातों की नहीं ढेर सारी दौलत की जरूरत होती है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी होगी तो रहने के लिए अच्छा सा घर है तुम्हारे पास, कल बच्चे होंगे उन्हें तालीम देने के लिए ताकत है तुम्हारे पास, क्या वो भी इसी तरह गैरेज में काम करेंगे? आखिर ये गैरेज तुम्हें क्या देगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ कपड़े? देखो सुनो, इस दुनिया में हर कामयाब आदमी ने बड़ा बनने से पहले एक ना एक बुरा काम ऐसा जरूर किया है जिसे करने के बाद उसे फिर कभी बुरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। चंडीदास, बुराई के जो रास्ते मैं छोड़ चुका हूं दोबारा उन पर चलने के लिए कभी मत कहना। नहीं सोनू, मुझे समझने की कोशिश करो, बस मेरा एक आखिरी काम और कर दो। कौन सा काम? मेरा माल से भरा हुआ ट्रक चेक नाके से निकालकर मेरे गोडाउन तक सिर्फ तुम ही पहुंचा सकते हो, क्योंकि उस चेक नाके पर ड्यूटी तुम्हारे दोस्त रवि कपूर की है। मुझे मेरा माल मिल जाएगा और तुम्हें इतनी दौलत कि जिंदगी भर ऐशो आराम करोगे। ठीक है, लगता है ईमानदार बनने से पहले बेईमानी का यह काम करना ही पड़ेगा। सेठ जी, जो आप कहते हैं वो मैं करूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार। ट्रक रोको। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इमरजेंसी चेकिंग है, ट्रक की तलाशी लेनी पड़ेगी। पर मेरा ट्रक तो खाली है, देख लीजिए आप। हवलदार, तलाशी लो। अरे सोनू, तुम अपना गैरेज छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो जी दहिसर पुल के पास मेरे एक दोस्त का ट्रक खराब हो गया है, 6 घंटे से वहीं खड़ा हुआ है जी। जल्दी में हो? हाँ जी हाँ। इंस्पेक्टर, ट्रक को जाने दो। मगर सर तलाशी। इंस्पेक्टर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ट्रक को जाने दो। ओके सर। हवलदार, चलो जीप को पीछे लो। ये सोनू साहब, तुम्हारे इस आखिरी कारनामे पर हम तुम्हें ऐसी सलामी देंगे जो आज तक परमवीर चक्र मिलने पर किसी सिपाही को ना मिली हो। क्या कहना चाहते हो तुम? इस ट्रक में जो तुम हमारा सोना लाए हो वो 6 करोड़ का है, और तुम्हारे इनाम में हमारे उस आदमी के हाथ में जो बंदूक है उसमें गोलियां भी सिर्फ 6 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ का इनाम 1 गोली और 6 करोड़ का इनाम सिर्फ 6 गोली। तो गंदे जमीर का कोड आखिर जिस्म पर फूट ही पड़ा, आ गए असलियत पर। हम इसे मौत का फरिश्ता कहते हैं सोनू साहब, इसके निशाने से ना आज तुम बचोगे और ना कल इंस्पेक्टर रवि। अबे ओ चंडो, ये मक्कारी है तेरी, धोखेबाजी है। तुमने तो कहा था कि अपना काम निकालने के लिए और तुम्हें फंसाने के लिए हमने सपना दिखाया था तुम्हें। सपनों की दुनिया में जीने वाले हकीकत में मारे जाते हैं सोनू साहब,
किसी ने सच ही कहा है कि शक्तिमान पहलवान की खोपड़ी में बुद्धिमान दिमाग नहीं होता, और जिसके पास दिमाग नहीं होता वो ऐसे मौके पर बिन मौत मारा जाता है। दुर्वचन, दिखाओ अपने निशाने का कमाल। खबरदार जो कोई लतो। इंस्पेक्टर हवालदार रामदार। यस सर। गिरफ्तार कर लो सबको। यस सर। सिपाहियों कूद पड़ो, हमला। क्यों चंडू चंडाल, इसे कहते हैं शक्तिमान पहलवान का बुद्धिमान दिमाग, और जब किसी की बुद्धि जरूरत से ज्यादा काम करने लगे ना वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। सोनू ठीक कह रहा है चंडीदास, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान भी इसी पहलवानी खोपड़ी का है, सिर्फ ये पिस्तौल हमारी है। इंस्पेक्टर रवि, इस दुश्मनी का अंजाम जानते हो तुम? धन पर वर्दी, सर पर कफन बांधने वाले अंजाम से नहीं बल्कि अंजाम उनसे डरा करता है। मिस्टर चंडीदास और शक्तिदास, तुम दोनों के खेल खत्म हो चुके हैं। ये राजा महाराजा और नवाबों के जमाने के जेवरात हैं, जो आप इस देश की संपत्ति हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में गिनी जाती है। हमें खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े विश्वास के साथ इस जिम्मेदारी के लिए तुम्हें इंचार्ज बनाया है। सर, हमारा खानदान वफादार जाबाज सिपाहियों का खानदान रहा है, देश की जमानत की हिफाजत में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। गुड, इन जेवरात की कल से नुमाइश शुरू हो जाएगी, तमाम दुनिया से बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम्हारा बंदोबस्त हो चुका है ना? सर, मैंने बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया है। इस नुमाइश घर के बाहर 150 कांस्टेबल बंदूकों के साथ, 15 जीपें, 10 वायरलेस 2400 घंटे तैयार रहेंगे। आइए, इस नुमाइश में आने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है और जाने के लिए भी यही एक दरवाजा। गुड, जैसे ही कोई यहाँ दाखिल होने के लिए कदम रखेगा तो इस कारपेट के नीचे छिपा हुआ इलेक्ट्रिक बटन दब जाएगा जिससे उस कैमरे में तस्वीर आ जाएगी। और सर, ऐसे 25 कैमरे इन दीवारों में छुपे हुए हैं। चलिए मैं आपको गार्ड रूम दिखाता हूं। आइए सर, यह है गार्ड रूम, बैठो। कोई भी शख्स उन जेवरात तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा, और यहां पर बैठा गार्ड टीवी पर उस आदमी की शक्ल देखकर हॉटलाइन पर वहां के गार्ड को खबर कर देगा। अगर कोई लुटेरा इन जेवरात को छूने की कोशिश करेगा, जैसे वो एक फिट के फासले से गुजरेगा, चारों तरफ अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रिक वेज जलकर सुर्ख हो जाएंगे और वो आदमी उसी में गिरकर कैद हो जाएगा। सर, आदमी तो क्या, अब तो शैतान भी इन जेवरात के नजदीक नहीं पहुंच सकता। और जहां शैतान नहीं पहुंच पाता वहां चंडीदास खुराना पहुंच जाता है। इसे कहते हैं तकदीर की यारी और किस्मत के खेल। ऊपर वाले ने हमें हमारे बदले की वसूली का मौका दे दिया है, और वो भी सूद के साथ। करोड़ों के हीरे जवाहरात अब हमारी मुट्ठी में होंगे। लेकिन बड़े भाई, वो हीरे जवाहरात हासिल करने के लिए हमें उस कुत्ते के साथ लड़ना होगा जो भौंकता भी है और काटता भी है। उसका नाम है रवि कपूर, जो उस एग्जीबिशन का इंचार्ज भी है और हमारा दुश्मन भी। वो दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा, और नई नई दोस्ती के तोहफे में हमें पेश करेगा उस म्यूजियम के सारे हीरे और जवाहरात। लेकिन खुराना साहब, रवि कपूर दोस्ती करेगा वो भी हमसे? हाँ विक्रांत, वो दोस्ती भी करेगा और हीरे जवाहरात भी लाएगा। लेकिन बड़े भाई, ये सब होगा कैसे? होगा ऐसे, हम अपनी बुद्धिमान खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो दोनों हरामजादे रवि और सोनू जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। छोड़ दो।
सोनू, राधा भाभी कैसी हैं? वो डॉक्टर साहब, राधा कैसी है? आपकी पत्नी को गहरी दिमागी चोट पहुंची है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। सर, वो गाड़ी पकड़ी गई है। और बच्चे? जी, बच्चे और गुड्डों का पता नहीं चला सर। अब आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, उनको बच्चों के बारे में कुछ न बताइएगा, क्योंकि एक हल्का सा सदमा भी उनकी जान ले सकता है। हाँ। मुन्ना संजू मिले? हाँ भाभी, दोनों मिल गए और पुलिस ने उन गुंडों को भी पकड़ लिया। कहाँ है मेरे बच्चे? वो दोनों घर पर हैं। आज उनका जन्मदिन है, भूल गया था। अरे, 5 बज गए हैं, वो लोग ठीक 5 बजे केक काटते हैं। आप लोग जाइए ना। सुनो, मुन्ने को ब्लू टी शर्ट और काली पैंट पहनाना जो मिलाई थी। हाँ राधा, वही कपड़े पहनूंगा। तू फिक्र मत कर, हम दोनों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। घर चलें राधा, चलते हैं हम लोग।